प्लीज देखिए वो ठीक तो है ना, कोई सीरियस बात तो नहीं है? अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर चेक करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। प्लीज मुझे उनसे बात करनी थी प्लीज। मैडम प्लीज रुकिए यहाँ पर। अरे क्यों नहीं जा सकती, जख्मी है, वो एक्सीडेंट हुआ उनका। आपकी एम्बुलेंस, कॉल डॉक्टर्स, अगर मेरे कुछ हो गया तो। ये उन्हें खुद पहले सोचना चाहिए था, शराब के नशे में गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। शराब क्या? एक तो नशे की हालत, फिर ओवर स्पीडिंग। गाड़ी का एक्सीडेंट देख के पता चल रहा है गाड़ी की स्पीड में चल रही होगी। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हम, जैसे इन्होंने किया है। खुद का नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी और को भी गाड़ी से उड़ा दिया इन्होंने। उड़ा दिया? किसको उड़ा दिया? पता नहीं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी को गाड़ी से ठोका है, और जिस किसी को भी ठोका है उसकी बॉडी अभी तक हमें नहीं मिली। शायद कोई औरत थी, खाई में गिरी है, पता नहीं जिंदा है या मर गई। सर आप प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, बच्चे की हालत बहुत खराब है। देखिए एम्बुलेंस आ रही है, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, मत गाड़ी चला, रुक जाओ, मत चलो, नहीं जिंदा मेरी औरत। बेटा बेटा बात तो गलत है, लेकिन लेकिन मुझे उस औरत के लिए चिंता हो रही है, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। पापा ऐसा मत कहिए, पापा उन्हें उन्हें कुछ नहीं होगा, भगवान जी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे पापा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कांटे कभी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। पापा पापा मामा मामा कहाँ है? मामा को फोन लगाया पापा, मुझे मामा से बात करनी है पापा, मुझे मामा से बात करनी है। मैं मामा को कहूंगी कि वो कार्तिक के लिए प्रे करे, सब ठीक हो जाए। अक्षरा कितने सारे मिस्ड कॉल। ये सामान हमको उनकी गाड़ी से मिला। ये तो हमने लास्ट डायल नंबर पे कॉल भी किया था, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हाँ वो मैंने मीटिंग के बाद फोन साइलेंट पे रख दिया था, लेकिन लेकिन अक्षरा मतलब मेरी वाइफ, ये लड़का कार्तिक, आपका जो भी लगता है शायद इसी ने आपकी वाइफ अक्षरा सिंघानिया को मैं जा रहा हूं। अक्षरा सुनिए सुनिए मिस्टर सुनिए, आप नहीं जा सकते। देखिए हम आपकी इमोशन को समझ सकते हैं, लेकिन आप भी हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। खाई है और रात का समय, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा, प्लीज प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए, कुछ भी हो सकता है। मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है बस। सुन लीजिए, हमारी स्पेशल सर्च टीम आ रही है। अरे कहाँ है वो, कब आएगी वो? अरे कुछ नहीं करेगी वो, ये सब पहले भी हो चुका है, अब समझने की कोशिश करिए। जैसे देरी होती जाएगी अक्षरा के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज प्लीज कोऑपरेट कीजिए। बेटा शांत हो जाए, बेटा संभाल अपने आप को। देखिए अगर आपने हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, सो प्लीज कोऑपरेट, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूं अक्षरा को ढूंढिए, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं रहे। मैं चाहता हूं
मुझे ही जाकर ढूंढना होगा उसे। अक्षरा आप नहीं जा सकते, अक्षरा लहरा बेटा अपने पापा को रोको बेटा, वो किसी की नहीं सुन रहे, रोको बेटा इन्हें, पुलिस को अपने काम करने दो। भाई साहब रुक जाइए बेटा, उसे कहे की शांत हो जाए, वरना जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होंगे। आपको जो करना करिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जाकर दीदी को ढूंढूंगा, मैं जा रहा हूँ। प्लीज रुकिए रुकिए। प्रिंसेस मुझे जाकर तुम्हारी मामा को ढूंढना है, प्लीज मुझे रोको मत, मुझे जाना है। पापा मेरी बात सुनिए, मामा को कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनिए पहले। प्रिंसेस मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे उन्हें ढूंढना है। पापा मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज, हमें उनकी बात माननी है पापा, माननी होगी हमें। अगर हम जाते हैं भारी मामा जल्दी से मिल जाए तो, अगर बात से उलझे रहेंगे तो कैसे ढूंढेंगे मामा को। प्लीज उन्हें जाने दीजिए पापा, प्लीज प्लीज पापा प्लीज। सॉरी इंस्पेक्टर, आप लोग जाइए और हो सके तो अभी सर्च टीम को भी प्लीज जल्दी से बुलवा लीजिए। वो निकल चुके, बस आते होंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।